हम इस वक्त मौजूद है गांडवाला बारामूला में, जहां पर आज सुबह रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी मीर पर गोलियां चलाई गई है। बता दें आपको कि मोहम्मद शफी मीर सुबह की अजान देने के लिए मस्जिद में जा रहे थे और मस्जिद में दाखिल होने के बाद अजान आदि दी और उसके बाद जो है मिलिटेंटों ने उस पर गोलियां चलाई। बिल्कुल ये वो मस्जिद है जहाँ पर मोहम्मद शफी मीर अजान देने के लिए गए थे। थोड़ी दूरी के बाद जो है उसका घर भी है और वहाँ से जो है रोज़ वो अजान देने के लिए यहाँ पर आते थे और इसी मस्जिद में उसने आज आधी अजान दी और उसके बाद जो है मिलिटेंटों ने उस पर गोलियां चलाई और उसको जो है हला कर दिया। बता दें आपको यूं ही गोलियां चलाई तो उसके बाद उसको नज़दीकी अस्पताल लिया गया और अस्पताल में जो है बताया गया कि मोहम्मद शफी मीर जो है इस दुनिया को रुखसत कर गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शफी मीर के रिश्तेदार, इनसे हम जानेंगे इस हवाले से क्या कुछ वाका हुआ था। जनाब आप बताइए क्या कुछ वाका हुआ था, कैसे ये वहाँ का पेश आया? यह जनाब हमें पहले दफ़ा देखा यहाँ 90 से, ऐसा वाका कभी नहीं हुआ, ये तो आप पहली दफ़ा देखते हैं और सुनते हैं। हम बहुत परेशान हुए हैं इसमें कि ऐसा हादसा क्यों हुआ। यह बहुत इज्जत वाला गांव था, यहाँ इज्जत वाले लोग रहते थे, चाहे मजदूर था चाहे कोई अफसर था, हर तरीके से इस गांव में चलते थे, अपने अपने बच्चों के लिए पेड़ पालने के लिए हर एक तरीके से चलती थी। मगर जो यह हादसा हुआ यह हमें बहुत दुख है, दुख की बात है, तो हम लोग बहुत परेशान हुए हैं कि यह ऐसा हादसा क्यों हुआ। तो मोहम्मद शफी मीर कैसी शख्सियत थे, कैसा इनका यहाँ पर रहन सहन था और कैसा व्यवहार था इनका? मैं जनाब क्या बताऊँगा इसके बारे में, क्या बताऊँगा, यह ऐसा आदमी था, छोटे के साथ छोटा बड़े के साथ बड़ा, इसमें कोई अफसर की घुमंडी नहीं थी, ये खुद मजदूर के काम करता था, किसी चीज़ का हतक नहीं जानता था ये, मतलब छोटे के साथ अफसर के साथ अफसर, मजदूर के साथ मजदूर। तो ये अजान देने के लिए गया था और अजान के दौरान इस पर हमला किया गया, तो कैसे देखते आप, क्या मानते हो? बहुत परेशान हुए हम लोग, बहुत परेशान होंगे, हम लोग भी बहुत डरते हैं कि ऐसा हादसा आज इसके साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। एक मुकद्दस जगह है मस्जिद जहां पर बिल्कुल, इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं। ये 5 नमाजें अदा करता था, चाहे ये श्रीनगर में हो अजान के वक्त अजान, नमाज के वक्त नमाज, जब इसको नहीं बख्शा गया तो हम लोग परेशान हुए हैं। अब इसमें देखेंगे गवर्नमेंट क्या करेगी, पुलिस क्या करेगा, वैसे हमें भरोसा है एसपी साहब पर, वो इसमें पीछे नहीं रहेगा, जो कातिल होगा उसको सख्त से सख्त मिले, सजा मिलना चाहिए। तो कोई हम क्या, फिर शांति से बैठेंगे। क्या कोई थ्रेट मत आया था या ना? ना ना, उस बारे में ना इसने कभी बताया तो ना ऐसा हुआ। अच्छा, ना बताया कभी तो ना ऐसा हुआ। क्या इसके पास सिक्योरिटी थी अभी इस वक्त? वो जनाब हमें पहले था एसपीओ 1 PSO 1, उसके बारे में पता नहीं है, बैद में रखा या नहीं रखा। तो क्या कुछ डिमांड रहेगी आपकी, क्या कुछ सजा होनी चाहिए उनको? सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए कि हम शांति में रहेंगे और आम तंग ना किया जाए, जो कातिल हो उसको सजा मिलना चाहिए। इवायत में मास्टर द्रुई मेन खानदार गया, अमिस मास्टर बॉय गया तेमिस मास्टर बॉय, बस मास्टर बॉय काक मे ओस पृछा ते शे शुरी वातम बुछस मंड, मे ओस खानदार मोहम्मद आज 5-7 वरी गई, मे ओस वनान दपा ओस शुरी छे या पृछा रात न के ओत पृछन शुरी छे या पृछा रपी 10 मा छे जरूरत, मे मा छे जरूरत के मे ओस वना, यो ओस वरिया नेक इंसान असा असा ओस कत करा अथस इतकन थोन मे यो इतकन ताल पेट अप दपन अच्छा ठीक छे तेल छे शुरी ते पृछा मे आ मे ओस शुरी पृछा ओस के यत माजी बन के रोजा आज बो सहरन बैतास बह ओर बजे द्रायस बाथरूम और आयस वापस, बह रूस बिहत मे जंग दौद बह रूस बिहत बिस्तर मं मे बसा टास हू मे बसा मगर टीन टास मे दत ब्रो क्या मकान मे दत बोन पे पे बोन अत अम पे क्या थान पे टीनस पे टीन आवाज गई बस तान गो बहट बजाय बहुत बजे मे आव न्यूक लड़कों सोन दोन मम्मी मम्मी शफी माम गुजरा मे दस क्या मे तुल वन क्या दोन तक हार्ट अटैक जहरा गोमुत दोन ऐ रोज ये शुरे नी बि दिमे नबर कुन नजर अम दु नजर दोन हे ना तस फायर कोर्मुत बस ये बोझ अस बाक हाँ बंग उस पारा अम पोर अल्लाह अकबर असल पा बंग वो पारा अम महमद रसूल अल्लाह अशदन लाला तो अथ मज गई छप
مایک پے پتھر بانگ اس آز یہ پارا امس گو مول صوب اس بٹوار وسان سہ گھر سہ بن گانٹ مل سہ وسان بٹوار ڈیلی گھر بٹوار اس نتان کہین بٹوار دہ بٹوار دہ یہ گھان گۄڈنیتھ یہ مسجد گھان پہ اتمت یہ جان صوب یہ جل چاچن جل بیاکھ بیس پیتر سن نیچو سہمت باتھ رومس من بت چلان تمس سیل تور درامت تم نبر وچمت یہ پیمت تم وچمت پیمت تم کورن پہ بیس پیترس بس فون ات کن سو بیس لڑکس ات گمت ات تلمت نمت